हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑडियो क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो जिन किसी स्टूडेंट को भी एडमिशन लेना है इग्नू में, वो आज से एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट डेट कब है एडमिशन की, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पर फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इग्नू में एडमिशन कैसे होता है, आप इग्नू में एडमिशन कैसे लोगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, अगर आपने इग्नू में एडमिशन ले लिया है, आप नहीं लेना चाहते, आप कैंसिल करना चाहते हो, गलती कर दी, कैंसिल करना चाहते हो, तो फीस रिफंड कितनी होगी, कैसे होगी, क्या प्रोसेस है, सारा इन टोटल आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी इग्नू एडमिशन से रिगार्डिंग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ओयू क्लास पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इग्नू से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इग्नू एडमिशन जनवरी 24 सेशन की, तो लास्ट डेट कब है मैं आपको बता देता हूँ, 31 जनवरी 2024, यानी कि आज आप एडमिशन ले सकते हैं इग्नू में। और जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी। तो 31 जनवरी से पहले पहले आप अपना एडमिशन ले लें, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शंस जो इग्नू की वेबसाइट पर दी हुई हैं, वही इंस्ट्रक्शन हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, इग्नू में रिफंड पॉलिसी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इग्नू में आप कैसे अप्लाई करोगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगा कि वेबसाइट पे कैसा आपको इंटरफेस दिखाई देता है और वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। अगर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो सबसे पहले इग्नू ने क्या कहा है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट के बारे में बताया है। फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट मतलब अगर आप पहली बार इग्नू में एडमिशन लेने हैं तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, केयरफुली रीड द डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस डिटेल, ड्यूरेशन, ETC। ये चीज़ें आपको बड़ी ध्यान से देखना है। किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है, MA इकोनॉमिक्स हो, MCOM हो, BCOM हो, BA हो, किसी भी BA ऑनर्स कोर्स हो, BA प्रोग्राम कोर्स हो, किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उनकी कुछ चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। ये कहाँ पर पढ़ना है, प्रोस्पेक्टस में। दूसरी क्या बताए कि डाउनलोड कॉमन प्रोस्पेक्टस, जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है इग्नू का वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करना है, इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है, दिखा दूंगा वेबसाइट पे, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और उसमें जो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बड़ी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी को कोई भी टेंशन है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इग्नू के सभी बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ आपका प्रोसेस जो भी इग्नू को आगे करा के देंगे, जिसकी हम रीजनेबल फीस लेते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को देख लीजिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी गाइडेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो अपने आप में सफिशियंट है गाइडेंस के लिए। लेकिन फिर भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, वीडियो में कमेंट करोगे तो उसका रिप्लाई भी हम दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन पर्सनली अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो उसकी आपको फीस लगेगी, ठीक है, तो ध्यान रहे। तो दूसरी बात क्या है कि आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है, वो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जो आप देखोगे, आपको रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर्ड यूजर, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब जो पहली बार रजिस्टर्ड करा रहा है इग्नू में, रजिस्टर्ड यूजर मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जैसे मान लो आपने BA की है, आप MA करना चाहते हो, इग्नू से BA की है, इग्नू से ही MA करना चाहते हो, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हो, ठीक है। तो दूसरी बात ये कह रहा है कि ये चीज़ हाईलाइट, इग्नू ने भी अपनी तरफ से हाईलाइट की है, प्लीज़ प्रोवाइड योर ओन ईमेल भी और मोबाइल नंबर, दो चीज़ इग्नू ने बड़े फोकस किया है कि आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर आपको अपना ही देना है, और वही देना है जो वर्किंग हो, जो फंक्शनल हो, वही देना है, और कोई ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको नहीं देना है, ध्यान रहे, क्योंकि इग्नू जितने भी फर्दर कॉन्टैक्ट करती है वो आपके ईमेल या आपके फ़ोन नंबर से ही होता है, तो आपका खुद का होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, क्लियर बात है, ठीक है। दूसरा, आपको यूज़र नेम वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आपका बिटवीन 18 टू 16 करेक्टर का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरा, पासवर्ड
पासवर्ड आपको बनाना है, वो भी आपका अल्फा न्यूमेरिकल रहेगा। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब कि आपने कुछ अल्फाबेटिक यूज़ किया है, कुछ नंबर यूज़ किया है। जैसे मान लो मेरा नाम प्रवेश है, मैंने अपना पासवर्ड सेट किया parvez@123 फॉर एग्जाम्पल। बहुत सिंपल पासवर्ड है, आप मुश्किल भी रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, ताकि कोई आपका चीज़ें यूज़ ना करें, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड अपना कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, ठीक है, 8 to 16 करेक्टर का होना चाहिए भी। उसके बाद ये चीज़ें आपकी हो जाएगी, आपको सबमिट बटन पे सबमिट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको इग्नू ईमेल या एसएमएस के द्वारा इन्फॉर्म कर देगा, आपके पास ईमेल भी आएगा, एसएमएस भी आएगा, दोनों चीज़ें आएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, रिमेंबर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जो आपने पासवर्ड और यूज़र नेम बनाया उसको याद रखना है। ये वैसे भी आपके पास ईमेल आएगा, एसएमएस आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसको अपना संभाल के रखना, उसको डिलीट मत होने देना अगर याद नहीं कर सकते, और अगर याद कर सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इतनी सारी चीज़ हो जाती है, क्या क्या चीज़ें याद रखें, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ईमेल में आपके पास हमेशा रहेगा, ये ईमेल को डिलीट मत करना, वैसे डिलीट कर दोगे तो समस्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बात करें हम डॉक्यूमेंट की, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से देखना कि जो आपके, पहली बात तो जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, वो ओरिजिनल स्कैन होंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया आपको, क्या स्कैन होंगे, ओरिजिनल स्कैन होंगे, ओरिजिनल से ही आपको स्कैन करना है, स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। आपको ध्यान रहे कि उससे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका इग्नू एक स्पेसिफिक अमाउंट मांगता है, एक स्पेसिफिक उसका आपका साइज होता है, उसी साइज़ में वो होने चाहिए, नहीं तो वो इग्नू पोर्टल अपडेट नहीं लेगा, अपलोड नहीं लेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो फोटोग्राफ की, फोटोग्राफ जो आपका है वो 100 KB से बिलो होना चाहिए, ठीक है। 100 KB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं किया जाएगा, वो वेबसाइट पोर्टल नहीं लेगा। दूसरा, आपके जो सिग्नेचर है, जो आप स्कैन करोगे अपने सिग्नेचर, वो भी आपके बिलो 100 KB होने चाहिए, ध्यान रखना इन चीज़ों का, अगर नहीं रखोगे। और ये चीज़ ना आपको एडमिशन लेने से पहले करना है, ठीक है। तो एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ें तैयार कर लेना अपनी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं होती तैयार तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, जितने भी, जैसे 10th का है, 12th का है, ठीक है, तो जैसे आपको BA में एडमिशन लेना है, तो आपका फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, ये चीज़ें आपकी नॉर्मली अपलोड होती है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपका 200 KB से नीचे होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, यानी कि 180, 190, 195 KB का आपका हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कुछ कोर्सेज हैं इग्नू में जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट किया जाता है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो ये भी आपका 200 KB से कम होना चाहिए। तीसरा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS, किसी भी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और वो भी आपका कितने, 200 KB से कम का होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास पहले होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 12th करके अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, तो उनके डॉक्यूमेंट कौन कौन से, मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। पहला डॉक्यूमेंट आपका फ़ोटो, दूसरा डॉक्यूमेंट आपके सिग्नेचर, तीसरा डॉक्यूमेंट 10th का सर्टिफिकेट, चौथा डॉक्यूमेंट 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और तीसरा लास्ट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कोई SC या OBC या फिर EWS सर्टिफिकेट है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो ज़रूरत नहीं है, और SC ST या फिर OBC कैटेगरी में हो, EWS कैटेगरी में हो, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा, वो जनरल में काउंट किया जाएगा। ये सबको ही पता है वैसे, फिर भी बता देता हूँ। मैंने बता दिया, फोटोग्राफ 100 KB से कम, सिग्नेचर 100 KB से कम, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है जितने भी, वो 200 KB से कम, ठीक है। और उसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी 200 KB से कम। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद फीस की बात करते हैं। फीस के लिए इन्होंने बोला कि भाई हम आपको वेरियस मेथड्स ऑफ फॉर्म देते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो, और नेट बैंकिंग से फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर एक नया फैसिलिटी भी इग्नू देती है, जो UPI है। क्या? UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐप, फोन पे ऐप या फिर पेटीएम, वहाँ से UPI ID से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये कह रहा है, प्लीज़ फिल अप डिटेल्स केयरफुली, जितने भी आपकी डिटेल्स हैं बड़ी सावधानी से भरना है। पेमेंट से पहले आपको जो भी आप फिल करोगे वो आपका सही होना चाहिए। अगर आपने गलत डिटेल फिल कर दी और पेमेंट हो गई है, तो उसके बाद
कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको एडमिशन कैंसिल ही करना पड़ेगा। कैंसिलेशन पॉलिसी मैं आपको बता दूंगा क्या है, टेंशन मत लेना। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी है उसका क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन कैसे होगा, रिफंड कैसे होगा और रिफंड का प्रोसेस क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी जब आप एडमिशन लेते हो ना तो उसमें एडमिशन फीस प्लस रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस फिक्स होती है कि इग्नू हर किसी कोर्स से हर किसी प्रोग्राम से एक रजिस्ट्रेशन फीस लेता है, वो बहुत नॉमिनल होती है, 300 रुपये, ठीक है, पहले 200 थी अब 300 रुपये कर दिए, प्लस अब आपकी एडमिशन फीस लेगा। जैसे मान लो बीए में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो बीए की ऑलमोस्ट एवरेज अगर हम फीस की बात करें तो इग्नू में आपकी एवरेज फीस 4000 के आसपास है, ठीक है। तो आपकी जो टोटल फीस जो होगी, ये टोटल फीस का मतलब ये नहीं इतनी ही फीस होगी, ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बताया है, तो इसके लिए आप प्रोस्पेक्टस में आप जाके देख सकते हो, इग्नू के जो भी प्रोग्राम गाइड है उसमें आप देख सकते हो फीस पर्टिकुलर बताई गई है, ठीक है। फिर भी अगर आपको जानना है, आपको समझना है कि मेरी फीस कितनी लगेगी, कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने 4300 रुपये फॉर फर्स्ट ईयर आपने इग्नू को दे दिया, ठीक है। अब जो ये 300 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन फीस दिए, ये इग्नू कह रहा है कि भैया ये नॉन रिफंडेबल है, ये किसी भी केस में आपको रिफंड नहीं की जाएगी। एक तरह से हम लगा सकते हैं आपका अप्लीकेशन फीस अमाउंट है कि भाई आप कहीं भी एडमिशन लेते हो तो आपको फॉर्म लेना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो फॉर्म फिलअप करने के चार्जेज है एक तरह से इग्नू की तरफ से, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि ये चीज़, ये पैसा 300 रुपीज़ जो है ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो ये पैसा है, ये पैसा किस किस सूरत में आपको रिफंड हो सकता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कैंसिलेशन पॉलिसी इग्नू की, ध्यान से देखना भैया, बच्चों को बड़े डाउट रहते हैं कि कैंसिलेशन पॉलिसी मेरा कैसे क्या होगा, तो बता देता हूँ मैं आपको। कैंसिलेशन में अब अगर दो चीज़ें हैं, एक कैंसिलेशन टाइम और एक रिफंड अमाउंट, कि कैंसिलेशन आप इतने टाइम के अंदर अगर कराते हो तो आपको इतना पैसा रिफंड इग्नू कर देगा, पहली बात। बिफोर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन, अगर एडमिशन कन्फर्मेशन, ठीक है, अभी एडमिशन कन्फर्मेशन क्या होता है इसकी वीडियो हमने बहुत डिटेल में बनाई हुई है कि कन्फर्मेशन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और आपको कैसे पता लगेगा कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, तो वो वीडियो आप देख लेना, लिंक दे दूंगा, ठीक है। छोटा सा मैं आपको डाउट बता देता हूँ कि कन्फर्मेशन मतलब जब आपका एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद इग्नू आपके जो आप अपलोड करते हो डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई करता है, वेरीफाई होने के बाद आपको ईमेल आता है, वो ईमेल कभी भी आ सकता है, एक दो दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, कभी भी आ सकता है। तो आपको कन्फर्मेशन का एडमिशन अगर आपका कंफर्म नहीं हुआ है, मान लो आपने आज एडमिशन लिया, आपने 5 दिन बाद आपको लगा कि मुझे इग्नू में एडमिशन नहीं लेना है या मुझे कैंसिल कराना है, मैंने गलत कोर्स में एडमिशन ले लिया और अभी तक आपके पास कंफर्मेशन नहीं आई है, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फुल अमाउंट रिफंड हो जाएगी, फुल अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि आपने 4300 रुपये दिए और 4300 के 4300 रिफंड हो जाएंगे, यहाँ पर आपको रिफंड होंगे टोटल 4000, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, ठीक है, ये फिक्स फीस नहीं है, लेकिन ये 300 रुपये फिक्स है, ठीक है। तो 300 रुपये आपको रिफंड नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर कन्फर्मेशन, मान लो आपके पास ईमेल आ गया है, आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, तो आप कैसे कैंसिल कराओगे, पहली कंडीशन है विद इन 15 डेज, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर, यानी मान लो आपका एडमिशन कन्फर्मेशन आया 1 तारीख को, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो विद इन 15 डेज यानी कि 15 तारीख तक आपको कैंसिल कराना है तो आप करा सकते हो। इग्नू बोल रहा है कि आपकी जितनी भी टोटल फीस पे होगी उसमें से हम 500 रुपये डिडक्ट कर लेंगे, 500 रुपये डिडक्ट कर लेंगे, लेकिन इग्नू एडमिशन फीस के, रजिस्ट्रेशन के नहीं, यहाँ पर 500 प्लस 300 होगा। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को डाउट रहता, तो आपके यहाँ पे ये 800 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे जितनी भी आपकी फीस होगी, ठीक है, क्लियर है। अगर हम दूसरा कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन है 16 to 90 डेज में, यानी कि 15 दिन चले गए हैं, 16वां दिन आ गया आपका, अब 90 डेज के अंदर अंदर अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो अग्नू कहता है कि हम आपके 1000 रुपीज़ काटेंगे, यहाँ पर वो 1000 रुपीज़ काटेगा, यानी कि विद इन 90 डेज, 16 to 19, तो 1000 प्लस 300 जो उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ भी सकते हैं, वो आप जब एडमिशन लोगे तो आपको वहाँ पे क्लेरिफाई किया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस इतने हैं, तो यहाँ पर आपके 1300 रुपीज़ लेस किए जाएंगे, ठीक है, ये डिडक्ट होंगे, ध्यान रखना ये भी डिडक्ट होंगे।
उसके बाद ये कहता है कि 90 डेज के बाद, अब भाई 90 डेज 3 महीने के बाद अगर आपको होश आता है कि यार मैंने तो एडमिशन ले लिया लेकिन मुझे दूसरे कोर्स में लेना था, या मुझे इग्नू में नहीं लेना था, या मेरा कहीं और एडमिशन हो गया है, इग्नू में तो मैंने एडमिशन लिया था इसलिए क्योंकि मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, अब 3 महीने बाद अगर आपको होश आता है तो इग्नू कहता है होश आने का अब आपको कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम आपको कुछ भी नहीं देंगे रिफंड, आप चाहे एडमिशन कंटिन्यू करो या मत करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आपने हमें पेमेंट की है तो पेमेंट, हम आपको पेमेंट वापस नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से 3 महीने का दिन तो वैसे भी यार बहुत है, आप किसी कोर्स में अगर एडमिशन ले रहे हो वैसे भी 3 महीने का अगर वो आपको दिन टाइम दे रही है आफ्टर कन्फर्मेशन, तो इससे तो ज़्यादा आपको क्या होगा। 3 महीने में अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, मत लेना एडमिशन अगर आपके इतने डाउट है दिमाग में, इतनी सोचें। और अगर डाउट है तो कोई हमसे क्लियर करो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आओ, वीडियोस देखो, कमेंट करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे, पर्सनल गाइडेंस चाहिए पर्सनल गाइडेंस लो, बिंदास रहो यार, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो इग्नू क्या कहते हैं, नो रिफंड, हम आपको कोई रिफंड नहीं देंगे अगर 90 डेज के बाद अगर आप आओगे कैंसिलेशन के लिए, नो रिफंड, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इग्नू एडमिशन है उसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप एनरोल कर सकते हो, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा प्रोसेस है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको विंडोज़ भी दिखा दूंगा कि कैसे उसकी विंडोज़ ओपन होती है कंप्यूटर में, आपको वो कैसे दिखेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो साइकिल की बात करें तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। अप्लाई कैसे होता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना हाँ। और अप्लाई करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है, ignuadmission.samarth.edu, ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना है आपको, वेबसाइट पे जाके आपको फर्दर डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद आपके सामने दो चीज़ें आएंगी, या तो आप रजिस्टर्ड हैं मतलब कि आपने पहले कोई इग्नू से कोर्स किया है, या आप फ्रेशर हैं यानी कि आप फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं, तो इसका मतलब आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो सीधा आप लॉग इन करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको डिटेल बन जाएगी, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़र नेम डालना पड़ेगा, दिखाऊंगा नीचे, ठीक है। उसके बाद अप्लीकेंट नेम, अप्लीकेंट नेम जो आपका नाम है, ध्यान रहे अप्लीकेंट नेम आपको वही डालना है जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट पे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, इग्नू ने भी बहुत लंबे तरीके से बहुत डार्क तरीके से हाईलाइट किया कि आपको अपना ईमेल अपना फ़ोन नंबर डालना है। पासवर्ड आप क्रिएट करोगे, मोबाइल नंबर अपना डालोगे, कैप्चा वेरिफिकेशन करोगे, उसके बाद रजिस्टर कर दोगे, तो आप अब आप क्या हो जाओगे, रजिस्टर्ड यूज़र बन जाओगे इग्नू के। अब आपको लॉगिन करने के लिए दो चीज़ चाहिए, कौन सी, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि आपने यहाँ क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब आप रजिस्टर्ड यूज़र हो गए, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हो तो आपको फिर यहीं से सीधा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जितनी भी आपकी डिटेल है, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, और आपके कोर्स आप कौन सा ले रहे हो, सब्जेक्ट आप कौन सा ले रहे हो, स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए, ये सारी डिटेल्स आप उसमें डाल लोगे। जैसे आप वो डिटेल डालोगे फिर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर अच्छे से बताया है, डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें मांगेगा, कितना उसका साइज़ है, वो सारी हम डिस्कस कर चुके। तो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने, डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड करोगे वो आपसे पेमेंट के लिए कन्फर्मेशन मांगेगा कि भैया आप कर दो हमें पेमेंट। पेमेंट जैसे आप करोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट के, वहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन आएगा, कन्फर्मेशन नहीं आया तो डिस्क्रिपेंसी आएगी, ध्यान रखना ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कन्फर्मेशन कब आएगा, मिनिमम डेज होता है 2 डेज, मैक्सिमम होता है 40 डेज, ध्यान रखना 40-45 डेज में हो जाता है, 1.5 महीने 2 महीने के बीच बीच आपका कन्फर्मेशन हो जाता है। नहीं होता है तो आपको सीधा सीधा अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करना है। तो मान लेते हैं हम कन्फर्मेशन आपके पास आ गया है, कन्फर्मेशन के बाद आपको अपने असाइनमेंट के लिए देखना है कि आपका असाइनमेंट कौन से सबमिट होंगे, री रजिस्ट्रेशन करना है और एग्ज़ाम देना है और रिजल्ट का वेट करना है। ये चीज़ें आपको करना है, आपका जो प्रोसेस है मैंने इन शॉर्ट में प्रोसेस बता दिया है। बाकी हमने टोटल ये जो जो असाइनमेंट री रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम रिजल्ट कब होगा कैसे होगा इसकी भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, जुलाई सेशन की अलग वीडियो बनाई है, जनवरी सेशन की अलग, किसको कब क्या करना है सब कुछ उसमें बताया,
पूरी डिटेल में बताया, किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ओयू क्लास पे आपको हर तरह का, हर समस्या का समाधान मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे कैसे दिखता है। वेबसाइट की अगर बात करें तो ये देखो आपका क्या है, जो हमने डिस्कस किया था, ये आपका URL है, आपका एड्रेस है इग्नू का, ignuadmission.samarth.edu.in, यही मैंने आपको ऊपर बताया था। ये आप ओपन करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका एडमिशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ से आपका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस अभी आप वहाँ पे देखोगे तो जुलाई 2023 सेशन का दिखा रहा है, जनवरी 24 सेशन का वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोस्पेक्टस है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। हालांकि इग्नू कुछ टाइम बाद अपडेट कर देगा इसको, अपडेट भी नहीं करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही आपका प्रोस्पेक्टस है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख सकते हो, जिस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है आप वहाँ पे उसकी डिटेल, शॉर्ट डिटेल यहाँ पे भी उसकी अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। रीजनल सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हो, एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके हैं तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो। या जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ भी बताया कि ये आपका सेशन है और ये आपकी लास्ट डेट है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर मान लो आप, मैं जैसे मैंने ऊपर बताया था न्यू रजिस्ट्रेशन हो, तो यहाँ पर देखो ये बटन दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो इस विंडो पे आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले यूज़र नेम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़र नेम का आपने ऊपर डिस्कस किया था। फिर आपको अपना नेम लिखना है एज पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट, वही नाम लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ईमेल देना है, आपका खुद का होना चाहिए, ईमेल री एंटर करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड री एंटर करना है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर री एंटर करना है, ये यहाँ पर आपको कोड डाल देना है, उसके बाद आपको रजिस्टर कर देना है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, मैंने आपको दिखा दिया कि इग्नू की वेबसाइट पे भी किस तरीके से होता है। जैसे आप रजिस्टर करोगे, अब आप रजिस्टर्ड मेंबर हो जाओगे इग्नू के, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाओगे, फिर आपको वापस इस पेज पे आना है। कौन से पे? इस पे, ठीक है। जैसे ही आप इस पेज पे आओगे तो अब आपको सामने यहां पे दिखाई देगा रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया था वो, और यूजर नेम क्रिएट किया था, तो यहां पर आप यूजर नेम डाल दोगे और यहां पर अपना पासवर्ड डाल दोगे, यहाँ पर ये कैप्चा डाल दोगे, और जैसे यहाँ पे डालोगे तो उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाएगा आपका स्टूडेंट पोर्टल, ओपन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है, और फिर कन्फर्मेशन का वेट करना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है एडमिशन का इग्नू का। तो सभी को ऑल द बेस्ट है, अपना जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हो एडमिशन लीजिए बिंदास। कोई भी क्वेरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।